अयोध्या में ब्लॉक तारुण के अंतर्गत ग्राम सभा नागपाली के प्रधान प्रतिनिधि उमाशंकर यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए गाँव वासियों ने 5 वर्षों में किए गए कार्यों की जांच कराने की मांग की। ग्राम सभा नागपाली के लोगों का कहना है कि प्रधान उमाशंकर यादव ने 5 वर्षों में कुछ भी कार्य नहीं किया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में स्कूल एकदम से खंडहर पड़े हुए हैं। पंचायत भवन में जंग लगे टाइल्स, न कायाकल्प, न गांव में कोई भी नाली, न लाइट, न किसी को शौचालय। सिर्फ 3 लोगों को आवास मिला हुआ है और 15 लोगों को शौचालय मिला हुआ है। न गांव में सोलर लाइट की सुविधा है, न ही खंडजा की कोई व्यवस्था है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि 5 वर्षों में साफ सफाई की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल में चारों तरफ कोई बाउंड्री भी नहीं, स्कूल में शौचालय की हालत भी खराब। हमला ग्राम सभा प्रधान के कार्यकालों के को लेकर के है कि उन्होंने जितना भी आज तक सुविधाएं आई हैं वो जनता तक पहुंची नहीं है, इसलिए सारी जनता रुष्ट है। इसलिए हम लोगों की एक मांग है कि जो है जो भी 5 साल के अंदर जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई या जो भी योजना इस गांव ग्राम सभा में आई हैं उन सब का जो है निष्पक्ष पूर्वक जांच हो, और अगर गलत पाए जाते हैं प्रधान जी तो उनके ऊपर जो है उचित कार्रवाई की जाए। साहब की जो है मतलब सब प्रधान भय और जौन बा सबका सब चीज केहो बराबर मिलेगा। प्रधान नाम वहाँ शंकर, आपको क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत यही है साहब कि जो जो सरकार दे रही है मतलब जनता को वो हमको कुछ नहीं मिला, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिला। नहीं कुछ नहीं मिला, सिर्फ मिला लाभ जौन मोदी मतलब 2000 रुपया दिया था, वो है हमें एक लाभ मिली बा। ना हमारे पास कॉलोनी बा, ना हमारे पास घर गिरा बा, ना है ना और ना हमारे पास लेटरिन बा, हमारे पास हमको। तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्राम प्रधान ने अपने कार्यकाल में कितना विकास कराया है। फिलहाल ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के विकास कार्यों की जांच कराने की मांग की।